नमस्कार नमस्कार, आपका स्वागत है, आपका सभी लोगों का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। स्टडी विद नीरज सर चैनल पर मेरे मित्रों, देखिए आज एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है, ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक, कि 53,000 आंगनबाड़ी भर्ती शासनादेश जारी हो गया है, ठीक है। 53,000 देख लीजिए, 53,000 कितना, 53,000 जो है आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी भर्ती का आदेश जो है जारी हो गया है। वो आदेश मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो आदेश आपको दिखाऊंगा। और जो है इसमें कौन कौन से लोग पात्र होंगे, फॉर्म एलिजिबिलिटी को लेकर कौन कौन से लोग आंगनबाड़ी जो है महिलाएं जो हैं कौन कौन सी भर सकती हैं। अगर आप लोग के घर में जो है कोई भरने वाला है तो ज़रूर आप उसको बताइए। आवेदन तारीख, योग्यता क्या होगी और चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है ये भी आप जान लीजिए। आवेदन की तारीख कब से चालू होगी, इसके लिए क्या योग्यता होगी, ठीक है, चयन प्रक्रिया इसके लिए क्या रखा गया है, और सबसे ज़्यादा किनको वेटेज मिलेगा, मतलब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सबसे पहले किसका चयन किया जाएगा आंगनवाड़ी के रूप में, किन महिलाओं का चयन किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आवेदन की पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, चलिए आवेदन से संबंधित शासनादेश देख लीजिए। देखिए ये शासनादेश है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप लोग जो है देख लें, जिससे आप लोग देखें, ठीक है। ये शासनादेश है, और जूम कर दूं, देखिए ये आपका शासनादेश है, ठीक। अनामिका सिंह सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिलाधिकारी को जो है दिया गया है। समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, ठीक है, और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु, मानदेय पर नियुक्ति हो तो चयन का पुनर्निर्धारण जो है किया जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं, जो आंगनबाड़ी की सहायिकाएं हैं उनको सीधे जो है 50% पद जो इसमें के हैं उनको सीधे जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनाया जाएगा। जो सहायिकाओं के पद पर कार्य कर रही हैं उनको सीधे जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनाया जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, इसके लिए ये चीज़ देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वही बताऊंगा। देखिए समन्वित कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी, हाँ ये हो चुका है, कार्यकर्त्रियों को, सहायिकाओं को मानदेय संविदा पर आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा विचारोपरांत निम्न है। अब इसमें शैक्षिक योग्यता आप देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं के हेतु शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष है। क्या है, या तो आप इंटरमीडिएट है, ठीक है, या उसके कोई समकक्ष है 12th, या उसके कोई समकक्ष अगर है तो उसके लिए जो है ये एलिजिबिलिटी है, ध्यान रखना। जी मैं थोड़ा सिल चेंज कर लेता हूँ। चलिए देख लीजिए मैं कहाँ पे था, देख लीजिए एक बार फिर से बता दूं, हाँ, इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो है 12th या इंटरमीडिएट, 12th इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष कोई भी होगा, ठीक है, वो जो है आंगनबाड़ी बन सकता है। देखिए एज 18 वर्ष, न्यूनतम एज 18 वर्ष, न्यूनतम एज जो है 18 वर्ष है, और अधिकतम जो है अधिकतम एज जो है, ठीक है, आयु जो है ये है आपकी 35 वर्ष, मतलब न्यूनतम 18 और अधिकतम 35, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, आयु संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। जो
टेंथ के अंक पत्र में आपकी जन्मतिथि मान होगी उसी को जो है माना जाएगा। ठीक है, 62 आगे देख लीजिए, 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। मानदेय आधारित सेवाएं जो हैं इनकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए चलिए आइए देखते हैं आगे और क्या जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात हम लोग करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसके उस पर बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, हाँ अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु और इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर की कुल रिक्तियों के सापेक्ष 25-50% पदों पर चयन किया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान, जो 50% पद हैं, मेरे सारे लोग ध्यान से सुनना, वो जो मिनी सहायिकाएं हैं उनको जो है भरा जाएगा। सर्वप्रथम देख लिए, सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के भर्ती है तो अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका के से चयन कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, इतना जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो इंटरेस्टेड है ये जरूर उसमें डाले, जरूर जो है जो इंटरेस्टेड है जरूर उसमें जो है आप लोग डाल सकते हैं। ठीक, और आराम से जो है भर सकते हैं फॉर्म आंगनवाड़ी। अब इसमें एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा पॉइंट है देख लीजिए, देख लीजिए, सीधी भर्ती हो पदों का चयन की वरीयता उसी ग्राम सभा, देख लीजिए, उसी ग्राम सभा शहरी क्षेत्र में की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, मतलब सबसे पहला जो वरीयता दी जाएगी वो विधवा को दी जाएगी। ठीक, उसी ग्राम सभा शहरी क्षेत्र की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा परित्यक्ता महिला, मतलब फिर तलाकशुदा महिला की जो है बारी आएगी। थर्ड देखिए, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का भर्ती न मिलने पर उसी ग्राम सभा शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं आएंगी चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार ये 53,000 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रखी जाएंगी, मैं आपको बता दूँ 18 से 35 वर्ष है, 12th की मार्कशीट है, 12th की जो है आपको जो है योग्यता लगेगी और 10th के आधार पर होगी, जो जन्मतिथि उसी को मानी जाएगी। सबसे पहले विधवा की बारी आएगी, फिर तलाकशुदा की बारी आएगी या कोई छोड़ के जा चुका उसकी बारी आएगी, देन अगर तत्पर विपद बचते हैं तो फिर जो है अन्य पारिवारिक जो है महिलाएं आएंगी जो गरीबी रेखा जीवन के नीचे यापन करती हैं। इतनी जानकारी थी। ठीक है, और बहुत पद होते हैं 53,000, ठीक है, बहुत पद होते हैं 53,000, आराम से जो है ये सारे लोग जो है इसके पात्र होंगे। इस प्रकार जो है सारे लोग जो है बता दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक से बढ़िया एक जो है वीडियो आपको जरूर मिलेंगे स्टडी विद नीरज सर चैनल के द्वारा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।